अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, ये कंपनी नेम है गिगली। जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये है जी गमी बियर सॉफ्ट एंड जूसी जेली। जेली है कुछ इस तरह के, अंदर से हमें शक्ल मिलने वाली है, बिगर एंड बेटर। तो ये मैंने फ्रिज में रखी थी क्योंकि आपको पता है जो इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं ये गर्मी में मेल्ट हो जाती हैं। तो अगर बैक साइड पे आ जाएँ तो ये आगे जिसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी छोटे से लिखे हुए हैं, और इसके अलावा इधर आ गया जी हलाल का, ये आ गया जी क्या चीज़ है ये, अफाक। हाँ अफाक है मेरा ख्याल, जो उनके मैन्युफैक्चर हैं। इसके अलावा रिसाइकल बिन का आ गया ये, फिर आगे कुछ वार्निंग आ गई। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। अगर इधर देखें तो इधर है जी, ये इनके आगे जी जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कंपनी है। और नीचे आ गया जी बहावरपुर रोड मुल्तान, मतलब कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ये मुल्तान में होती है। इसके अलावा ये आगे जिनका बारकोड, 10 रुपये है इसकी कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं 10 रुपये में हमें अंदर से क्या मिलता है और इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी है। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे है वो भी फ़र्स्ट टाइम है, जो गिगली की प्रोडक्ट है। इससे पहले के जो हमने कह रहे कि जो उसका रिव्यू नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम है। चलिए देखते हैं फिर हमारा कैसा रहता है एक्सपीरियंस, फिर इसको करते हैं अनपैक। 2,000 years later. ये आ गया जी भालू, और ये आ गई जी जो हमारी है ग्रैमी बियर। ये भालू है, ये भालू है, ठीक है। अंदर से कह लेंगे जो जेली में है वो इस तरह का निकलेगा। तो 10 रुपये है इसकी कॉस्ट। अब इसको करते हैं फ्लेवर टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो उसका फ्लेवर है ये उन्होंने बताया नहीं है, स्पाइसी है या सॉफ्ट है। चलिए फिर इसको करते हैं टेस्ट। भालू का मैंने सर खा लिया। जो इसका टेस्ट है वो कह लें कि मुझे यार ये याद दिला रहा है पकोला, जो आइसक्रीम होती है, जो बोतल होती है दूध में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सेम टेस्ट है उसका। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जूसी है। तो मेरी तरह से तो पैकिंग में 10/10 है, जो टेस्ट में है उसमें भी 10/10 है, तो फुली थम्स अप है। बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़्यादा स्वीट नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट है इसका। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।